सभी साथियों को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी ये दिवाली और ये धनतेरस बहुत ही शानदार हो, इसी उम्मीद के साथ में भगवान से और माता लक्ष्मी से अरदास करूंगी कि आप सभी की जो ये दिवाली है बहुत ही शानदार और ये धनतेरस भी बहुत ही शानदार जाए। इसी के साथ में इससे भी बेटर अपनी अगली दिवाली और अगली धनतेरस जाए, जिसके लिए अपने को एक बहुत ही एक साल की पूरी लंबी दौड़ है वो जारी रखनी है। और वो दौड़ किसकी है? वो दौड़ है आपके पशु परिचर भर्ती जो अभी आपके वर्तमान में चल रही है उसकी। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि पशु परिचर की आप तैयारी कर रहे हो सभी लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, ना कोई शंका है ना संकोच है। लेकिन फिर भी कुछ कारण से, जैसे एक कारण तो ये हो गया कि भाई फार्म चालू नहीं हो रहे, जिसके चलते डीमोटिवेट हो रहे अपन लोग, मतलब आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो या फिर, तो आपको क्या डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है ना। आपको अपनी जंग है उसको जारी रखना है, और उस जंग को जीतने के लिए आपको पता होगा मैं आज आपके साथ में लाइव हूँ, मेरा सीधा सीधा ये पॉइंट पे आना ये आपको बता रहा है कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए उसमें जो आपके क्या होते हैं, आपके क्या अस्त्र शस्त्र होते हैं, उनको जिनको युद्ध में आपके क्या यूज किया जाता है, जिनका उपयोग किया जाता है, उनके क्या दी जाती है, धार दी जाती है। जैसे बाला हो गया, तलवार हो गई, इन सभी चीज़ों की क्या दी जाती है, धार दी जाती है। तो वैसे ही आप सभी विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई को क्या देनी है, धार देनी है। तो वो धार आपको वो धार देनी है कि भाई जब आपके आपके जो एग्ज़ाम की डेट दी हुई है अप्रैल के समथिंग, तो वो आपके क्या हो, बहुत ही सफल हो। और उस जंग में आप जब जाओ तो आपकी जो धार है वो इतनी तेज होनी चाहिए कि आप एक बहुत ही शानदार तेज दौड़ के साथ में उस पेपर को चीर सको। कैसे अभी पेपर का लेवल आए, हाई लेवल आए, लो लेवल आए, मीडियम लेवल आए, आपको तो क्या है बहुत ही हाई लेवल से तैयारी करनी है। और वो भी देखो कैसे होगी, मैं बता देती हूँ। आप एक सब्जेक्ट की 10 किताब पढ़ लोगे या फिर 10 जगह से पढ़ लोगे ना, उससे नहीं होगी। आपको क्या करना होगा, अधिकतम पढ़ाई करके उसका क्या आप करना पड़ेगा, रिवीजन करना होगा। और आपके सामने इस अग्नि परीक्षा में सब्जेक्ट थोड़े ज़्यादा है, ठीक है ना, सब्जेक्ट ज़्यादा डीप में नहीं है लेकिन थोड़े सब्जेक्ट ज़्यादा है। सब्जेक्ट देखो आपके क्या है, जनरल साइंस है, मैथ है, करंट अफेयर है, राजस्थान की हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, और इसी के साथ में सामाजिक विज्ञान का जो पार्ट है वो आपके रखा गया है, और दूसरा पार्ट है जो एनिमल साइंस पशुपालन का है आपके, जो 45 किस्नों के आने वाले हैं, और ए पार्ट है वो आपके 105 किस्नों का आने वाला है। तो उन चीज़ों को पार करने के लिए आपको एक बड़ा युद्ध है, और ये युद्ध आपको कम से कम 6 से 7 ही महीने बाकी रहे। आपने पहले भी नोटिस किया होगा पशुधन साय की जो भर्ती की डेट आई गई थी संभावित, उसी डेट को आपके एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कोई दोराय नहीं है। तो आज दोबारा बता रही हूँ, आपके जो महीना इसमें डेट दी गई है परीक्षा की, उसी टाइम आपका एग्ज़ाम होगा। बस आपको क्या करना है, आपकी जो युद्ध है उस युद्ध में जाने से पहले आपके जो अस्त्र शस्त्र, यानी आपके अस्त्र शस्त्र क्या विद्या है, आपका सिलेबस है, उसको तैयार करना है लिखित रूप से, और बार बार उसका कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन करना है, उस टेस्ट को देना है, तब जाके आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। नहीं तो हम इसी सोच में रह जाएंगे कि आज नहीं कल तैयारी कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, और कल और परसों कभी ख़त्म नहीं होगा, और हम एक दिन उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि कल एग्ज़ाम है अब क्या करूं, फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और ज़िंदगी बार बार मौके नहीं देती है, शायद भगवान की दया से जो पहली बार भर्ती आई, हो सकता है आप लोगों के लिए आई होगी आप जो तैयारी कर रहे हो। तो आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है, और सभी को बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है ना। इसी के साथ में आप सभी साथियों के लिए एक विशेष सूचना मेरी ये भी है कि भाई लगातार विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि मैम कोर्स तो हम ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन कोर्स की जो प्राइस है बहुत ज़्यादा है, मतलब उनको लग रहा है, वैसे भी ज़्यादा नहीं थी, 1499 थी, लेकिन उनको लग रहा। तो मेरा एक हमेशा से ये रहा है कि भाई हम क्या है, विद्यार्थियों के हित में जो लगता है, मेरा एक ही है, एक ही ड्रीम है कि भाई अपन जिस कोर्स को चला रहे हैं ना,
तो कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पैसों की वजह से उस कोर्स को ज्वाइन नहीं कर सके। तो इस दीपावली के ऊपर और इस धनतेरस के ऊपर न्यू उड़ान कोचिंग क्लासेज आपके लिए एक विशेष ऑफर लेके आया है। ऑफर बस 3 ही दिन का है, आपके 10 तारीख 10 नवंबर 11 नवंबर और 12 नवंबर रात्रि 12 बजे तक है। और आज तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है, तो जिनको भी ज्वाइन करना है अपनी ईमानदारी से और पढ़ने के लिए ज्वाइन करना है, ऐसे नहीं है कि ज्वाइन करके रख दो, नहीं, पढ़ने के लिए ज्वाइन करना है। तो ये आपके लिए सरप्राइज़ क्या है, तो ये सरप्राइज़ आपके लिए ये है, ये रहा भाई न्यू उड़ान कोचिंग क्लासेज के जितने भी कोर्स है आपके, क्या है, पशुधन सहाय कृषि प्रवेशक पशु परिचर VLDA MPF जितने भी कोर्स हैं मात्र और मात्र 799 रुपये में मिल रहे हैं। और पशु परिचर का जो कोर्स है उसके लिए आपके लिए और भी इसमें एक विशेष चीज़ है, वो भी आप देख लीजिएगा भाई, पशु परिचर का जो कोर्स है ना, ये रहा, इसमें जो पशु परिचर का जो कोर्स है मात्र और मात्र 799 रुपये में मिल रहा है। ये कोर्स क्या है, इसकी आपके क्या है, ये विशेष क्यों है, ये क्यों ही ज्वाइन करो आप, तो ये कोर्स है आपके लाइव फ्रॉम क्लासरूम, यानी जो हमारे ऑफलाइन बच्चों को हम दे रहे वही कोर्स है। इसमें आपके संडे टू संडे टेस्ट होता है, वही इसमें टेस्ट है, ठीक है ना। और इसमें लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डिंग क्लास भी है और मॉडल टेस्ट सीरीज भी है, ई नोट्स भी है, MCQ क्लासेस भी है, लास्ट में मैराथन भी लगाएंगे वो भी है। और आपके बेस्ट फैकल्टी के द्वारा यहाँ पर ये कोर्स लगातार बनाया जा रहा है, तो जिनको भी ज्वाइन करना है जल्दी से जल्दी ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसी के साथ में अपन अगला जो पॉइंट है अपना उसी पे आते, तो ये पॉइंट रहा, ठीक है ना भाई। पशु परिचर की वैकेंसीज है आपके सामने, किसकी है, ये पशु परिचर की वैकेंसीज, ठीक है ना। अब आपके लगातार ये भी कमेंट आ रहे, कुछ विद्यार्थियों को ये भी पता नहीं है कि पशु परिचर की जो वैकेंसीज है CET से बाहर है कि नहीं है, ये भी अभी तक उनके डाउट है। तो पहली चीज़ तो देख लो भाई, इसके अंदर पद कितने हैं, पद आपके 5934 पद है, ठीक है ना। इसकी जो विज्ञप्ति है वो भी आपकी क्या हो चुकी है, जारी हो चुकी है, ठीक है ना, विज्ञप्ति भी आपके जारी हो चुकी है। और इसके अंदर ही आपके क्या आया था, सिलेबस आया था, ठीक है। और दूसरी बड़ी चीज़ इसमें ये है कि जो CET का आपके हर वैकेंसी में इस बार चल रहा था, तो वो CET इसमें क्या है, नहीं है, CET इसके अंदर लागू ही नहीं है, ठीक है ना। ये भी बड़ी सोच, जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है उनके लिए ये यहाँ पर ये चीज़ मेरे द्वारा बताई जा रही है, जिनको पता है कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। और दो तीन चीज़ें और भी है इसके अंदर, आपका पेपर है आपके लगातार, ये भी कमेंट आ रहे थे कि पेपर है वो आपके किसके द्वारा आयोजित करवाया जाएगा, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इसका पेपर आयोजित करवाया जाएगा। और संभावित जो डेट है आपके लगभग वो अप्रैल दी गई है, पेपर की डेट है वो आपके अप्रैल दी गई है, तो अप्रैल में ही शायद इसका एग्ज़ाम होगा, संभावित दी गई है। और पेपर का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला, पाठ्यक्रम है वो आपके मैं बता देती हूँ, यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है वो भी आप देख लीजिएगा, पाठ्यक्रम में आपके इसके दो भाग दिए गए, भाग ए है ना और भाग बी, भाग बी, तो ए भाग के अंदर तो आपके कंप्लीट क्या आने वाला है भाई, इसके अंदर ये भी देख लीजिएगा, नहीं है जिन विद्यार्थियों को पता उनके लिए ये भी जरूरी है, तो उसके अंदर राजस्थान GK के आपके क्या आने वाले हैं, तीनों पार्ट, मतलब ज्योग्राफी हिस्ट्री और कल्चर, ठीक है, इसी के साथ में सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन भी आपके अंदर इसमें आने वाला है, ठीक है, इसी के साथ में सामान्य विज्ञान भी इसमें आने वाला है, सामान्य विज्ञान ये भी इसमें आने वाला है, इसी के साथ में आपके मैथ्स 10th स्टैंडर्ड तक की वो भी आने वाली है। और इसी के साथ में इसमें आपके करंट का जो आपके पार्ट है वो भी, करंट अफेयर का जो पार्ट है वो भी आने वाला है, ठीक है ना। ये जो टोटल क्वेश्चन है आपके वो आने वाले कितने हैं भाई, ये क्वेश्चन आपके आने वाले हैं टोटल 105 भी क्वेश्चन होंगे और 105 अंक के होंगे, ठीक है ना। अब जो आपके बी पार्ट है ना, इसके अंदर पशुपालन, क्या है, पशुपालन आपके इसके अंदर आने वाला है और आपके 45 अंक, यानी 45 क्वेश्चन आने वाला है और 45 ही अंक का आने वाला है, ये इसके अंदर आपके क्या रहने वाली है, आपकी कंप्लीट
जो सिलेबस वगैरह ये आपके रह गए, ठीक है ना। तो आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। और मैं दोबारा से बता रही हूँ कि भाई अप्रैल के अंदर आपके एग्ज़ाम होगा, 100% होगा, और बहुत बड़ी वैकेंसी। ये जो आपको संख्या दिख रही है ना, राजस्थान में हर किसी वैकेंसी की नहीं दिखती इतनी, बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है भैया। और इसमें संख्या में फार्म भी बहुत भरे जाएंगे, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि फार्म कम भरे जाएंगे। तो आपको उन 15 लाख लोगों से जंग जीतनी है जो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपके जो स्पेशल जो वेटनरी वाले या एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी है, उनके लिए यहाँ ये बेनिफिट होने वाला है कि ये जो पार्ट बी है आपके 42 अंक का, ये आपको मोस्टली यहाँ पर बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। और आपके ये जो जीके वाला पार्ट है ना, इसमें एक चीज़ दर्शाई गई थी कि राजस्थान के संदर्भ में, तो आपके जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे ना, वो राजस्थान के ही संदर्भ में आएंगे। और मोस्टली मैं आपको बता दूं, राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी, इन तीनों पार्ट के ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है ज़्यादा, ठीक है ना। और इसी के साथ में आपके जो पार्ट भी है उस पर भी आपको विशेष तौर से ध्यान देना है, ठीक है भाई। तो आज का जो सेशन था मेरा, जो ये था कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, आपको समझानी थी, वो मैंने समझाने में शायद चपल रही हूँ। और भी कुछ आपको डाउट है तो वो आप यहाँ पर क्या है मेरे से पूछ सकते हैं। दोबारा से निवेदन करूँगी, तो जिनको भी तैयारी करनी है अभी से तैयारी शुरू कर दे चुके ने। और पशु परिचर का ऑनलाइन कोर्स का जो ऑफर है, मात्र और मात्र 3 दिवसीय ऑफर है। जिनको भी ज्वाइन करना है जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, ठीक है। और जिनको ऑफलाइन भी करनी हो, तो दीपावली के बाद आपके सोमवार से, यानी आपके 20 तारीख से नए बेंच, 21 तारीख से नए बेंच का प्रारंभ हो रहा है, तो ऑफलाइन भी आप जयपुर सेंटर पे आके ज्वाइन कर सकते। हाँ, बट ये है कि ज़्यादातर जिनको ये है कि भाई ऑनलाइन ज्वाइन करना, तो ऑनलाइन भी करे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन में किसी प्रकार का फ़र्क नहीं है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और खैर दोबारा से यही कि दीपावली और धनतेरस आपकी ये भी शानदार जाए, और इससे भी बेटर अगली वाली जाए, और अगली दीपावली और धनतेरस आप राजस्थान का जो कर्मचारी चयन बोर्ड और जिसमें आपके पशु परिचर की वैकेंसीज है, उसमें आप सिलेक्शन लेकर अपने सपने को साकार करें। इसी के साथ में आज का सेशन इतना ही। जय हिंद, जय भारत।